नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल माइंड। और आज जब मैं मोबाइल चला रहा था, मैंने ट्विटर खोला और मैंने ट्विटर पर देखा कि ट्विटर पर कुछ ट्रेंड कर रहा, और जो ट्रेंड कर रहा था वो देखकर मेरा, यकीन मानिए, मेरा दिमाग भी एक मिनट के लिए चकरा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा। और मेरे लिए ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्यों, उसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताऊंगा। दरअसल देखिए, ट्विटर पर आज के दिन जो है ट्रेंड कर रहा है हैशटैग गुजरात बॉयकॉट बीजेपी, यानी गुजरात से बीजेपी को भगाओ, गुजरात से बीजेपी को बॉयकॉट करो, ये यहां पर ट्रेंड कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि मेरा माथा क्यों चकराया। जी हाँ, क्योंकि मैं भी तब तक सोच रहा था कि गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है, गुजरात में फिर से भाजपा ही आने वाली है। तो मेरे जो ये सारे जो मैं सोच रहा था, ये सारे उलट हो गए ये ट्वीट देखकर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि गुजरात में मोदी जी जीतने वाले हैं भाजपा सरकार बनाने, क्योंकि हमारे संवाददाता यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं और ग्राउंड के जो जायजे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं, वो भाजपा के फेवर में निकल के आ रहे हैं। आप हमारे चैनल पर चाहे तो देख सकते हैं क्या कुछ जो है यहाँ पर जनता का भाजपा सरकार से कहना है और सोचना। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि आज ट्विटर पर जो लोग यहाँ पर हैशटैग बॉयकॉट गुजरात बीजेपी लिख करके कई सारी चीजें ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी का बेरोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से जुड़े मुद्दे। 2002 में दंगा हुआ था, एक पोस्टर बॉय था मोची, उसका आज क्या हाल है, उसकी सारी चीजों को दिखा करके यहाँ पर ट्वीट किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार ने गुजरात में कुछ काम नहीं दिया और इस बार कांग्रेस यहाँ पर गुजरात में आने वाली है। ये चीज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है, क्योंकि चीजें काफी अलग है, अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो चीजें अलग है, जमीनी स्तर पर जाएंगे चीजें अलग है, नेताओं के बयान में जाएंगे चीजें अलग है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ दावा करते हैं कि मेरे पास भारी जनाधार है, मैं जीत रहा हूं, भाजपा हार रही है, भाजपा दावा कर रही है जीत का। तो ये सारी चीजें देखने लायक है कि आखिर ये दावे कहां से हो रहे हैं, आखिर अलग अलग यहां पर इतर दावा क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। किसी का कुछ, सोशल मीडिया पर कुछ, तो ये जनता को काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर साइलेंट किलर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। और ये ट्वीट से सत्य साबित होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस गुजरात में साइलेंट किलर की भूमिका निभा रही है। तो साइलेंट किलर का जो है यहाँ पर वार कुछ ऐसा हुआ है कि देखिए, बॉयकॉट बीजेपी गुजरात ट्रेंड करने लगा है ट्विटर पर। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल। Wow.